वायरस की वजह से आईपीएल 2020 स्थगित होने के बाद अब दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई का दफ्तर भी बंद हो रहा है। आज मंगलवार से बीसीसीआई का दफ्तर बंद कर दिया जाएगा और उसके कर्मचारी अब घर से ही काम करेंगे। बता दें कि भारत में वायरस के 114 मामले सामने आ चुके हैं और यहां तक कि कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं पूरी दुनिया में इस वायरस से 5000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि क्रिकेट को वायरस ने गहरा आघात पहुंचाया है। क्रिकेट की हर बड़ी सीरीज और टूर्नामेंट इस महामारी की वजह से रद्द या फिर स्थगित हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल को भी 15 अप्रैल तक स्थगित किया गया है, जिसका रद्द होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भारत और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज भी वायरस की वजह से रद्द करनी पड़ी। इंग्लैंड ने भी श्रीलंका का दौरा रद्द कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज को भी रद्द करना पड़ा। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भी अपने सभी घरेलू मैच अगले 2 महीनों के लिए रद्द कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का घरेलू टूर्नामेंट सेफील्ड शील्ड और न्यूजीलैंड की घरेलू टूर्नामेंट प्लंकेट शील्ड भी वायरस के चलते रद्द हो चुकी है। यही नहीं, भारत में होने वाले घरेलू टूर्नामेंट भी रद्द किए जा चुके हैं। अब आईपीएल के भी रद्द होने की खबर जल्द ही आ सकती है। एक ओर जहां सभी आईपीएल टीमों ने अपनी प्रैक्टिस सेशन को रद्द कर दिया है, वहीं दूसरी ओर यह भी खबर है कि सभी फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल रद्द होने की खबर सुनने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। मतलब अब हर टीम को ये लग गया है कि अब आईपीएल रद्द ही होगा। दरअसल वायरस की वजह से सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, थिएटर, जिम बंद हो गए हैं। ऐसे में आईपीएल का आयोजन भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।